अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारे पास जो ये TIG की वेल्डिंग मशीन है, इसका हमने मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। इसका ऊपर वाला कार्ड चेंज करना है, ये ख़राब हो गया है, तो हमने वो नया मंगवा के रखा हुआ है, ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। तो अभी आपके सामने चेंज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी कि ये हीटअप हो जाती थी, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी। तो जब इसको मैंने चेक किया तो इसको ऊपर वाला कार्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो इसको आइए चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो खोलने से पहले इसके ये जो कनेक्शन है ये अच्छे से चेक कर लें कि आप भूल ना जाएं, क्योंकि इसके कुछ कनेक्टर ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं और अगर गलत जगह पे लग गए तो कार्ड आपका फिर से ख़राब हो सकता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख लें तो उसमें ज़्यादा आसानी होगी। इसके सारे कनेक्टर ये जो हैं ये खोल लेते हैं। ये जो इसका कार्ड है ये मैंने मतलब एक चला हुआ इस्तेमाल मंगवाया है, चला हुआ कार्ड की इसकी भी उनकी गारंटी होती है कि एक दफ़ा ये चल जाता है, बाद में बेशक ख़राब हो जाए लेकिन कीमत में इसके काफ़ी फ़र्क होता है। तकरीबन आपको मिलता है 7 से 8 हज़ार के करीब, और जो चला हुआ कार्ड होता है वो आपको मिल जाता है तकरीबन 3 हज़ार के करीब। तो चला हुआ कार्ड इसकी गारंटी ये होती है कि एक दफ़ा ये आपको मतलब चला के देते हैं या आप खुद चेक कर लेते हैं, अगर नहीं चलता तो आप बेशक उसको वापस भी कर सकते हैं। इसकी एक महीने की गारंटी होती है जो चला हुआ कार्ड होता है, जो नया होता है उसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि हमने सिर्फ इसका कार्ड चेंज करना है तो सारी मशीन को हम नहीं खोलेंगे। ये कार्ड है ये खुल गया है, इसको बाद में देखेंगे कि इसमें क्या मसला है, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए हम स्पेयर कार्ड मंगवा के रखते हैं, इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। इसकी एक मैं इसको बाद में रिपेयर करेंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो ये हमारा कार्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इस्तेमाल शुदा होते हैं, एक महीने की इनकी गारंटी होती है। एक महीने आप इसको इस्तेमाल करके अगर एक महीने में ख़राब हो जाता है तो आप इसको वापस कर सकते हैं। ये वारंटी वो उनको देते हैं जो उनसे प्रॉपर चीज़ें खरीदते हैं, हर किसी को यह वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा उनसे काफ़ी सामान आता है, इस वजह से हमारी उनसे मतलब गारंटी वाली बात होती है। अगर ख़राब हो जाता है तो हम इनसे दोबारा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने से पहले ये देख लेंगे इसके पास ये दो सर्किट के दरमियान ये सपोर्ट होती है, ये ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो सर्किट पे दबाव आ सकता है और वो नीचे टूट भी सकता है। तो जिस तरह आपने इसको खोला था उसी तरह वापस से दोबारा लगा दें। ये चेक कर लें कि इसके जो मॉस्फेट हैं वो अपनी जगह पे आनी चाहिए। एक साइड से पहले लगा लें इसके मॉस्फेट। इनको ना इतना लूज रखें और ना इतना इनको टाइट करें, ज्यादा टाइट करेंगे तो इनके क्रैक होने का डर होता है, और लूज रखेंगे तो वो हीटअप हो सकते हैं।
उसके बाद जिस तरह आपने ये कनेक्टर खोले थे उसी तरह आप इसको दोबारा लगा लें। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको याद नहीं रह सकता कि कौन सा कनेक्टर कहाँ है, तो बेहतर है कि आप लिख लें, उस पर मार्किंग कर लें, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। वैसे ये लगे एक तरतीब में होते हैं, बंदा मतलब थोड़ी सी तवज्जो दे तो भूलने के चांस कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है तो आप मार्किंग कर सकते हैं इसके। कोई कनेक्टर जो है वो लूज नहीं होना चाहिए, सारे टाइट होने चाहिए अच्छे से। यार्थ वाली केबल जरूर लगाया करें। ये हमारी जितनी भी वायरें थी अच्छे से लग गई हैं सारी, सारे हमारे कनेक्टर जितने वो लग गए हैं, कोई भी कनेक्टर लूज़ नहीं है। हमारे स्क्रू जितने भी थे वो लग गए हैं सर्किट के। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि अभी पावर हमें आ रही है कि नहीं आ रही। सिंपल और आसान सा तरीका है चेक करने का, अगर आपके पास वेल्डिंग करने की सहूलत मौके पे मौजूद नहीं है तो आप मीटर के ज़रिए इसकी जो आउटपुट है उधर चेक कर सकते हैं आप, कितनी आउटपुट आपको रिसीव हो रही है। ये देखिएगा नीचे मीटर मैंने रखा है डीसी पे लगा के, 88 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये वोल्टेज हमें रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो परफेक्ट है और इंशाल्लाह ये अच्छे से काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।